यस गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग जिस समय पर आज इस वीडियो को देख रहे हैं अब सर हम बात कर रहे हैं एक्सेल की यानी कि हमारे कोर्स के अंदर हमने एडवांस अकाउंटिंग कवर कर लिया जीएसटी कवर कर लिया इनकम टैक्स कवर कर लिया और अब हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल यानी कि एक्सेल की बात कर रहे हैं तो सर एडवांस एक्सेल कवर करने से पहले हम कुछ बेसिक एक्सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेक्सिस एक्सेल भी सही तरह से क्लियर नहीं है अब एक्सेल की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सेल्स के रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं ये एक्सेल टू है जो जो भी भी आपका वर्जन हो 2013, 2016, 2019 लगभग इनके अंदर अंदर सबके फीचर्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं कुछ कुछ ऐसे फीचर्स जो होते हैं जो आपके नए नए वर्जन अपडेटेड वर्जन के अंदर कुछ अपडेट फीचर्स भी होते हैं जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हैं यानी कि आप रन बार के अंदर एक्सेल टाइप करते हैं एक्सेल 2013, 16 वो आपका वहां पे ओपन हो जाता है एक्सेल ओपन होने के बाद एक ब्लैंक वर्कबुक दिखती है आपको उस पर आपको क्लिक करना है और आपको इस तरह से एक ब्लैंक वर्क बुक स्टार्ट करना है यहां पर आपको जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्क बुक यानी कि एक्सेल को समझने से पहले हम थोड़े से इसके बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये जो शीट दिख रही है उसको बोलते हैं सर वर्क बुक और वर्कबुक के अंदर आपकी ये जो शीट होती है जैसे यहाँ पर शीट वन है 2007 से पहले जो भी आपके एक्सेल थे उसमें थ्री शीट एक साथ आती थीट टू शीट थ्री आती थी लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया है अभी सिर्फ एक ही शीट आती है यानी कि आपको किसी भी वर्क को करने के लिए सबसे पहले एक शीट की रिक्वायरमेंट होती है इसके बाद अगर आपको उसमें ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो तो नॉर्मली ये आता है सर शीट अब बात करते हैं सर शीट कैसे बनती है तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये जो फाइल ऊपर का जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं टेप जैसे हमारा होम टेब इंसर्ट टेब पेज लेआउट फॉर्मूलाज डेटा रिव्यू एंड व्यू इनको हम क्या बोलते हैं टेब बोलते हैं और टेब के ये अलग अलग फंक्शन है जैसे यहां पर आपको ये एक फंक्शन ये दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड यहाँ पर आपको एक फंक्शन और दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट ये अलाइनमेंट ये नंबर स्टाइल सेल्स एंड एडिटिंग इनको बोलते हैं रेबिन उनको क्या बोलते हैं रेबिन यानी कि टेब टेप के अंदर क्या होता है रिबिन होता है रिबिन के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर तो यहां पर आपको ए बी सी डी टाइप के जो भी दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम इनको हम क्या बोलेंगे कॉलम और साइड में आपको यहां पर जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सिंपल ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इनको बोलते हैं रोज तो कॉलम और रोज मिलके सेल्स बनती है कॉलम और रोज मिलके क्या बनती है सेल्स बनती है जैसे अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जूम बार्स नहीं दिख रहा फॉर्मूला बार हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखता है C2 यानी कि ये जो कर्सर है आपका इसको बोलते हैं कर्सर ये जो आपका जहां पर ये कर्सर है इस टाइप से ये जो यहाँ पर देखोगे आपको कर्सर दिखेगा ये आपको कर्सर दिखेगा तो ये जो कर्सर है ये कहाँ पे है इसको देखने के लिए आपको जाना है सी टू ये देखा है सी नंबर का कॉलम और टू नंबर की रो hmm. तो यहां पर कर आपका कर्सर कहीं पर भी है यानी कि बहुत सारा डेटा आपके पास है और आपका कर्सर कहीं पर भी है तो आप C2, यानी कि सर ये यहाँ पे C2, टू फॉर एग्जाम्पल हमारा कर्सर यहाँ पे और अब हमें पता ही नहीं है सर हमारा कर्सर कहाँ है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है C99. C99. तो उसके लिए आपको कहीं पर भी कर्सर लाना है उसको हम आगे शॉर्टकट कीज के थ्रू और डिटेल में समझेंगे तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो ए बी सी डी एफ जी एच आई ये क्या है सर ये हमारे कॉलम है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनको हम क्या बोलते हैं रोज बोलते हैं तो कॉलम और रोज बनकर क्या बनती है सेल्स बनती है और बहुत सारी सेल्स बनकर क्या बनती है शीट बनती है और बहुत सारी शीट बन के क्या बनती है एक वर्क बुक बनती है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क बुक का मतलब जिसके अंदर शीट होती है शीट का मतलब कि जिसके अंदर रोज सेल्स होती है और सेल्स के अंदर क्या होता है कॉलम्स होते हैं और रोज होती है अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले यहां हम देख लेते हैं फाइल का ऑप्शन आपको दे रखा है फाइल में सबसे पहले इन्फो का ऑप्शन मतलब यह है है कि यह जो है, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको रखिए टाइटल तो आपके सब्जेक्ट कौन सा ये सब चीजें यहाँ पर आपको शो होती है इसके बाद हम चलते हैं यानी कि अभी आपके कोई नई एक्सेल शीट और वर्कबुक और ओपन करनी है जैसे आपकी एक वर्कबुक तो ये ओपन है ही से ये वो जो वर्कबुक ओपन है इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी वर्कबुक और ओपन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो जैसे यहाँ पर आपकी ब्लैंक वर्कबुक है टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला स्टोर अलग अलग आपकी इस टाइप की ये फेसेस आपको यहाँ पर वर्कबुक दिख रही है जैसे जैसे वर्कबुक डिजाइन आपको चाहिए आप इस तरह से वो डिजाइन का आप यहाँ से ओपन कर सकते हो इसके बाद सर हम बात करते हैं ओपन ओपन का मतलब होता है कि अभी आपने एक्सेल ओपन कर दिया लेकिन आपके पास में वो फाइल है जिस फाइल के अंदर डेटा है उसको अगर आप ओपन करना चाहते तो उसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन है एक ऑप्शन तो ये है कि जो भी फाइल है उसके ऊपर आप डबल क्लिक वहां पर जाइए उसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और वहां से आप वो फाइल ओपन कर सकते हो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर आपने कोई एक्सेल ओपन कर लिया एक्सेल का ऐप ओपन कर लिया और फिर अगर आपको बाद में याद आए कि मेरे को तो फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं जैसे आपकी यहाँ पर रिसेंट बुक है ये इतनी सारी फाइलें रिसेंटली वर्क बुक के अंदर ओपन की हुई थी तो यहाँ पर आपको दिख रही है जैसे हम बात करते हैं जीएसटी पेमेंट वाउचर जी एस टू कॉम्पिटिशन आई टी आर टू कॉम्पिटिशन फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर क्लिक किया तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये क्या ओपन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शन जो हमने प्रीवियस में किया था जैसे ये पूरा आपका ये ओपन हो गया यानी कि फॉर्म सिक्सटीन ये ये हमारा ये सब कुछ है जो हमने पहले बनाया हुआ था अब आपके यहाँ पर दो शीटें ओपन हो गई है अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बुक वन और एक दूसरा है बुक टू तो ये है आपका बुक वन दूसरा आपका ओपन हो गया बुक टू तो इस तरह से आप फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा इसके बाद ऑप्शन आता है सर सेव का यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपने जैसे ही एक्सेल ओपन किया उसमें आपने कुछ भी टाइपिंग करना यानी कि आपने डाटा मेंटेन करना शुरू कर दिया अब सर उसको क्या करना होगा उसको आपको सेव करना होगा तो सेव करने के लिए जब भी आप सेव के ऑप्शंस पे जाओगे आपको पूछेगा कि ये आपको कहां पे सेव करना यानी किस फोल्डर में सेव करना तो उसके लिए आपको यहां पर यह फोल्डर दे रखे जहां पर भी आपके फोल्डर्स हैं वहां पर आप उसको सेव कर सकते हैं देन ऑप्शन आता है सेव एज सेव एज का मतलब होता है कि सर बॉय डिफॉल्ट फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम चाराच पी पीसी के अंदर एक साथ में काम करते हैं जो लेंस से कनेक्टेड होता है अब उन्होंने ही वो भी एक्सल उन्होंने उनके पीसीपी भी ओपन कर रखा है वही एक्सल अगर हमने अपने पी ओपन कर रखा है और हम उसके अंदर हमने बहुत सारा डेटा मेंटेन कर दिया हुआ है और उन्होंने भी वो उसमें वर्क कर रहे हैं तो सर वो सेव नहीं होगा इसके लिए आपको क्या करना होगा सर सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करके किसी अदर फोल्डर्स में आपको उसको सेव करना होगा इसके बाद सर ऑप्शन आता है प्रिंट का प्रिंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने एक्सेल सीट के अंदर जो भी वर्क किया हुआ है उसको आपको प्रिंट निकालना है किसी को दिखाने के लिए या किसी को देने के लिए या आपके सेफ्टी पर्पज से तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं वो प्रिंट एरिया के बारे में डिटेल्स में कवर करेंगे इसके बाद ऑप्शन आता है आपका शेयर का यानी कि सर इसको आप कहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप ईमेल के थ्रू सेव कर सकते हैं इनवाइट पीपल है यानी कि क्लाउड सेव टू क्लाउड्स के ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसके बाद ऑप्शन आता है सर एक्सपोर्ट का दैट मींस कि ये जो एक्सेल सीट है ये जो सेव होती है ये एक्सेल फॉर्मेट के अंदर होती है और बाद में ओपन भी होगी तो सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट के अंदर होगी अगर आप इसको वर्ड में ओपन करना चाहोगे पावर पॉइंट में ओपन करना चाहोगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी लेकिन पीछे डॉट को भी फाइल नहीं होती है इसके पीछे लिखा होता है डॉट तो ये उसका फॉर्मेट होता है लेकिन अगर आप उसको पी में सेव करना चाहते हैं अगर आप इसको वर्ड में सेव करना चाहते हैं तो अगर आप इसको इमेज में सेव करना चाहते हैं आपके पास में तो बहुत ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे एक्सपोर्ट के अंदर जैसे आप एक्सपोर्ट मिलेंगे चेस्ट टाइम पे ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर आपको वर्कबुक एक्सल नाइन टू थाउजेंड टू टेम्पलेट ये सी फॉर्मेटिंग सेवेज ऑन अदर फाइल आपको इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे या फिर आपको पी करना किसी को सेंड करना है किसी को मेल करना है तो उसको आप पी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पर ऑप्शन आता है क्लोज का यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करेंगे आपकी जो एक्सेल शीट थी वो एक्सेल शीट आपकी क्लोज हो चुकी है अब सर हमें क्या करना है यहीं से एक दूसरी नई वर्कबुक ओपन करनी है जैसे ये वर्कबुक तो हमारी है दूसरी वर्कबुक ओपन करनी है तो हमने देखा था सर फाइल में जाओ फाइल में जाके आप यहाँ पे न्यू करो जबकि नई वर्क ओपन हो जाएगी लेकिन अब हम क्या करते हैं सर थोड़ी सी शॉर्टकट कीज यूज करते हैं शॉर्टकट कीज कंट्रोल एन आप प्रेस करोगे कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो आपकी एक नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी ओके तो ये तो हमने देख लिया सर फाइल के ऑप्शन को और भी हम डिटेल्स में देखेंगे फाइल के ऑप्शन को कैसे एड किया जाता है कैसे माइनस किया जाता है इसके ऑप्शन जो होते हैं उसके रिलेटेड हम कवर करेंगे अब हम बात करते हैं टेप की सबसे पहला टेप जो है ये है सर हमारा होम अब होम टैब से समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि सर ये शॉर्टकट कीज यानी कि आपके जो माउस है और आपका जो कीबोर्ड है उसकी जो की है वो किस तरह से ऑपरेट होती है उसके लिए हमको समझना जरूरी है तो सर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो साइड में नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जैसे अगर आपको यहाँ पे जो कॉर्नर में

ये है माइक्रोसॉफ्ट हेल्प वन यानी कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे हेल्प के ऑप्शंस पे जाएंगे वहां पर आपको जो भी आपको पूछना पूछ सकते हैं उनके जो आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे इसके बाद ये जो ऑप्शन है रिबिन डिस्प्ले ऑप्शन ये जो आपकी रिबिन है उसको डिस्प्ले के लिए ऑप्शन दे रखा है कि इसको आपको डिस्प्ले दिखाना है जैसे अभी हम काम कर रहे हैं तो दिखाना फॉर एग्जाम्पल हम उसको हाइड करना चाहते हैं किसको हाइड करना चाहते हैं ये जो रिबिन आपको दिख रही है इन रिबिन को हम हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पर आपके पास में तीन ऑप्शन अवेलेबल है पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबिन हाइड रिबिन का मतलब ये होता है कि ये जो रिबिन है ये ऑटो हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे शॉर्ट टैब सिर्फ आपको टैब ही शो करनी है ये वाली जो और ये जो रिबिन है उसको शो नहीं करना एंड लास्ट है शो टैब्स एंड कमांड आपको टैब भी शो करनी है और ये जो कमांड दे रखी है वो भी शो करना है यहाँ पर अभी ये वाला कर्सर है हम ऑटो हाइड रिबन पे जाएंगे तो देखिए आपका ये सब कुछ ऑटो हाइड हो गया यानी कि जो ऊपर का रिबन शॉर्ट थी वो भी और आपके जो रिबिन थे वो भी हो गए अब आपको इसके ऊपर वापस जाना है शॉर्ट टैप करना है शॉर्ट टैप करने से आपकी ये जो टेब है ये सभी आपकी अवेलेबल हो जाती है और लास्ट में अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये भी आ जाएगा और साथ में आपकी टेब भी आ जाएगी टेब और रिबिन दोनों साथ में आपको दिख जाएंगे इसके बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कार्नर में इसको बोलते हैं सर मिनिमाइज मिनिमाइज का मतलब होता है कि एक होता है एक्सेल को क्लोज करना यानी कि आपने परमानेंटली अभी एक्सेल को क्लोज कर दिया है और एक होता है कि आप इसको मिनिमाइज करो ये जो हमने कर दिया मिनिमाइज तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपकी दो एक्सल है तो ये हमने मिनिमाइज कर दिया इसके बाद ये जो है ये आपको इसे शॉर्ट करना री स्टोर डाउन और इस टाइप से ये जैसा आपने अभी छोटा कर दिया उसको आप करेंगे रिस्टोर मैक्सिमाइज़ यानी कि उसको बढ़ाकर ये पूरी एक स्क्रीन के अंदर आ गया अगर आप उसको छोटे से पार्ट में डिवाइड करना है छोटा साथ में कोई और काम भी करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से काम करते हैं यस yes. यहाँ पर कुछ करना है हमको यहाँ पर कुछ दे रखा होगा उसके हिसाब से काम करना है तो हम यहाँ पे एज इट इज इस तरह से काम कर सकते हैं इसकी जो साइज है इसकी साइज आपके हिसाब से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से जैसे हमने ये कर दिया इस कंफर्ट के हिसाब से आप ये कर सकते हैं यहाँ पर आप मैक्सिमाइज करेंगे मैक्सिमाइज से आप क्या करेंगे वापस उसको बड़ा कर सकते हैं ठीक है ये ऑप्शन थे ये आपका स्क्रॉल डाउन के लिए है यानी कि अगर आपको कुछ भी डाउन करना है तो ये नहीं लेफ्ट टू राइट वर्टिकल के लिए आपके पास में ये स्क्रॉल बार है ये बार है यहाँ पर आपका कर्सर है कर्सर में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपकी शॉर्टकट कीज है यानी कि एक्सेल की अगर हम बात करते हैं जो आपके माउस कीबोर्ड की जो की है यह है सर जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हो तो ये डाउन जाता है जैसे कि हम क्या है सर a1 रो सेल्स के अंदर a1 सेल्स के अंदर a1 सेल से आप एंटर प्रेस करोगे तो ये 2 नंबर की रो में जाएगा ये 3 नंबर की रो में जाएगा और करोगे तो 4 नंबर की रो में जाएगा ओके लेकिन सर हमें क्या करना है हमको तो कॉलम वाइज पहुंचाना यानी कि हम जैसे ही करें b c d e में जाए तो इसके लिए आपको टैब प्रेस करना होगा क्या करना इस करना होगा टेप प्रेस करना होगा टेप प्रेस से आप क्या होता है सर ए बी सी डी ई एफ जी एस कॉलम के अंदर आपका जाएगा और जैसे आप इंटर करोगे ये कहाँ जाएगा सर आपका नीचे यानी कि रोज के अंदर जाएगा और टेप प्रेस करोगे तो कॉलम साइड में शिफ्ट हो जाएगा ओके इसके बाद आपको यहां पर एक्सल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो होता है सिलेक्शन का सेलेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर कोई भी कंडीशन या कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कोई भी फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है तो यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड है ये अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं अगर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग सिर्फ इसी सेल्स के अंदर अप्लाई होगी बाकी सभी सेल्स में अप्लाई नहीं होगी ये आपको ध्यान रखना है तो जहां जहां पर आपका कर्सर है वहाँ वहाँ पे आपकी जहाँ जहाँ कंडीशन अप्लाई होगी तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपको दो ऑप्शन एक ऑप्शन आपका माउस से है दूसरा ऑप्शन आपके कीबोर्ड से पहले हम माउस के ऑप्शन को कवर कर लेते हैं जैसे यहां पर रखा माउस का लेफ्ट की प्रेस करना माउस का लेफ्ट प्रेस करना है और आपको इस तरह से ड्रैग करना ड्रैग करना है। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन यानी कि आप माउस से किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स को अगर आप इसको डाउन करेंगे तो आप इस तरह से और डाउन करेंगे डाउन करेंगे तो आपको एक साथ चार सेल्स सेलेक्ट होगी साथ में आप रोज भी सेलेक्ट कर रहे हो अब यहां पर अगर आप कोई भी अप्लाई करोगे यहां पर इन सब में तो सब में अप्लाई होगा फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कुछ अप्लाई करके हम देख लेते हैं जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ये अप्लाई करते हैं तो देखो ये

क्या लगाया हम देखेंगे बाद में बॉर्डर लगाए अब से ये हमको नहीं चाहिए ये हमको अभी नहीं चाहिए यानी कि हम बात करते हैं अंडू की अंडू का मतलब होता है कि अगर आपने अभी कोई काम किया या फिर अगर आपने कोई गलती से डिलीट कर दिया और आपको पता चला वो गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको वापस भी ला सकते हो इसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस किया क्या प्रेस करना आपको कंट्रोल के साथ में जेड तो जेड प्रेस करने से क्या होता है सर आपका यहां पे अंडू हो गया देखो यहां पर हमने कुछ किया था ये अंडू हो गया फिर से अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वाली कमांड हमने अप्लाई की थी ये भी हमारी क्या हो गई अंडू हो गई तो आप कंट्रोल जेड से आप इस तरह की जो भी आपसे जो मिस्टेक हो गई है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है कंट्रोल यानी कि अंडू का ऑप्शन है ओके अब सर यहां पर सिंपल से हम इस तरह से उसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्शन करने का ऑप्शन आपको एक्टिवली पता चल जाएगा और सलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें अब यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी लिखते हैं जैसे हमने लिखा करण से ठीक है इसके बाद हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल के एस आर अकेडमी ये दो नेम हमने लिखे ओके करण सिंह एंड के एस आर अब सर इस दो को सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे कंट्रोल के साथ में यह अब सर हमने माउस से नहीं माउस से हमने देख लिया था लेकिन हमने कीबोर्ड से नहीं देखा था कीबोर्ड से देखने के लिए आपको क्या करना होगा सर शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है उससे क्या होगा सेलेक्ट सेलेक्श होगा इसके साथ में प्रेस करना है शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं सर कैप्स लॉक ऑन की ये जो कैप्स लॉक ऑन है यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं करंट से दोनों को देखो यहाँ पर आपको के और एस यानी कि सब कुछ जो है ये नॉर्मल फोन में है यानी कि सब कोई क्या है नॉर्मल लोअर फोर्ट में है सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अगर आपको ये चाहते हैं कि सर सब, सब कुछ कैपिटल में लिख के आ जाए सब कुछ कैपिटल में लिख के आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कैप्स लॉक ऑन करना होगा क्या करना होगा Caps lock on. जैसे ही आप caps lock on कर दिया आपने, उसके ऊपर क्लिक कर दिया लॉक पे अब आप कोई भी टाइप करोगे, तो देखो ये क्या लिख के आ रहा है ये आपका कैपिटल लेटर्स में लिख के आ रहा है तो कैपिटल लेटर्स में लिखने के, लिखने के लिए आपको क्या करना होगा सर लॉक ऑन करना दूसरा अब यहां पर जो करण सिंह लिखा हुआ है

अब आप शिफ्ट के साथ में उसको आप प्रेस करोगे तो वो आपके कैपिटल लेटर्स में आपको वहां पे शो होगा अब हम इसको लिखते हैं के ए आर एन फिर से हमको एस कैपिटल चाहिए तो शिफ्ट के साथ में एस आई एन जी एस ये क्या हो गया सर आपको शिफ्ट के साथ में हो गया तो शिफ्ट की क्या होती है शिफ्ट की एक तो होती है सर आपको जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो आपका शिफ्ट की प्रोवाइड करती है एक फॉन्ड को अब जो नॉर्मल फॉन्ट है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना लोअर में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पर शिफ्ट की यूज होती है कैप्स लॉक की हमने देख ली थी कैप्स लॉक की जो यूज होती है वो होती है कि अगर आपको सब कुछ लॉक कैप्स कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक की ऑन कर लीजिए इसके बाद आपको दिख रही है टेब टेब हमने देख लिया था टेब हम फॉर्मुलेस के अंदर भी देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं सिर्फ बेक स्पेस की यानी कि आपके कीबोर्ड का सबसे ऊपर का जो ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बेक स्पेस जैसे अब हम यहां पे, अभी हम यहां से बेक स्पेस करेंगे अभी हम यहाँ पे यहाँ पे हम बेक स्पेस करेंगे तो क्या हो जाता है सर पूरा कट जाता है यानी कि आपने जो कुछ भी टाइप किया था वो आपका क्या हो गया रिमूव हो गया क्यों हो गया क्योंकि सर हमने बेक स्पेस यूज किया अगर आप यहां पर भी बेक स्पेस यूज करोगे तो ये भी आपका क्या हो गया सर बेक स्पेस यूज लेकिन अब हमें क्या करना बेक स्पेस का यूज क्या करता है ये जो सेल्स सेल्स में आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है तो यहाँ पर आपको कर्सर नहीं दिख रहा है देखो आपको यहीं पे भी प्रेस की आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ओके अब इस ऑप्शन से क्या होता है अब आप एक स्पेस करोगे ना तो आपको ये बेक स्पेस से कट होगा बेग स्पेस से कट होगा अब सर आपने जो भी स्पेस किया ये जो स्पेस किया उसको अगर आपको सेव करना यानी कि हम लोग सिर्फ करण ही रखना तो आप इंटर प्रेस करेंगे क्या प्रेस करेंगे इंटर या फिर लेकिन हमको जो एस आई एस लिखा था वो ही वापस चाहिए गलती से हमने लिख लिया आप स्कैप यूज करोगे ई e एस सी क्या यूज करोगे सर ई e एस सी स्कैप यूज करोगे स्कैप से क्या होगा वापस आपने जो भी टाइप किया होगा वो वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमने यूज किया कि आप की का यूज किया अब नॉर्मली आपको यहां पर डिलीट का ऑप्शन भी नजर आता है आपके की बोर्ड पर डिलीट का मतलब ये कि अगर इस सेल्स के अंदर आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे आपके सेल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और साथ में आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वापस भी आ जाएगा जो भी आपने टाइप किया हुआ है ओके इसके बाद हम बात करते हैं आपके यहाँ पे होम की की जैसे ध्यान से सुबह ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके बाद हम एक्सेल्स को शुरू करेंगे होम की का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो कर्सर है ये जो कर्सर है ये कर्सर अभी आपका G और 5, यानी कि Z5 फाइव सेल्स के अंदर है और यहाँ पर आपको देख भी रहा है ये कर्सर कहाँ पे है G5 सेल्स के अंदर अब G5 फाइव से मुझे A5 सेल्स भी लाना जी फाइव से मुझे ए फाइव सेल्स में लाना है तो अभी मैं क्या करूंगा होम की प्रेस करूंगा कौन सी की प्रेस करूंगा Home key. Home key से क्या होता है सर वो किसी भी रो के अंदर है किसी भी रो के किसी कॉलम के अंदर है फॉर एग्जाम्पल जेड कॉलम के अंदर है फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलिए एन कॉलम है अभी आपका कर्सर क्या है आपका कर्सर एन नंबर कॉलम और नो no नंबर की रोम है आपको यहां पर जैसे दिख रहा है छोटा सा पोर्शन अब आपको ये चाहता है कि सर A9 पे आ जाए तो आप यहाँ से होम प्रेस करेंगे ये कहाँ पे आ गया A9 पे आ गया अब आप चाहते हैं कि ये A1 पे आ जाए, यानी कि जो फर्स्ट सेल्स से है वहां जाए। आपका कर्सर कहां पर भी है फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारा कर्सर जो है अभी ये है एच एट थर्टी टू कहाँ पे है एच एट थर्टी टू ये आपका कर्सर अभी वहां पे है उस कर्सर को यहां पर लाने के लिए क्या करना होगा सिंपल कंट्रोल के साथ आप होम प्रेस करेंगे इसके साथ हमें कंट्रोल प्लस होम की कंट्रोल प्लस होम की जिससे क्या होता है आपका सेल्स एक्सेल के किसी भी सेल्स के अंदर है वो सीधा ए वन सेल्स के अंदर आ जाएगा ओके अब हम बात करते हैं सर पेज अप एंड पेज डाउन आपकी ये जो भी शॉर्टकट कीज है ये शॉर्टकट कीज आपको आपके कीबोर्ड पर दिख रही होगी पेज अप एंड पेज डाउन पेज अप और पेज डाउन कहाँ पे यूज होते हैं अब सर हमने यहाँ पर हमारी जो एक शीट है कौन सी शीट है ये शीट वन है शीट वन के जैसे ही हम प्लस करेंगे आपकी शीट टू ओपन हो जाएगी जैसे ही आप प्लस करेंगे आपकी शीट थ्री ओपन हो जाएगी जैसे आप प्लस करेंगे आपकी शीट चार फोर ओपन हो जाएगी ओके इस तरह से आप न्यू न्यू शीट ओपन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल छोटा बहुत काम हमने शीट वन के अंदर किया थोड़ा बहुत काम हमने शीट टू में किया थोड़ा बहुत हमने सीट थ्री जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमारा फॉर्म सिक्सटीन एन एक्सर एचपी कैपिटल गेन कैपिटल लॉस लॉस अदर सोर्सेज ये हमारी जो की थी ये हमने इस तरह से किया था तो ये शीट्स थे अब सर आपका ये जो पेज डाउन, पेज डाउन अप का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप पेज एप करते हो तो आपकी ये जो थ्री नंबर की शीट का डेटा टू नंबर की शीट है कौन सी शीट ओपन होगी टू नंबर की अगर आप फिर से पेज अप करोगे तो शीट वन पे आ जाएगा कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे शीट वन शीट टू पे जाएगा फिर से शीट थ्री शीट फोर ये हम कीबोर्ड से कर रहे हैं तो पेज डाउन एंड पेज अप ये किसके लिए होता है ये होता है एक्सेल के अंदर अपनी जो शीट होती है उस शीट को चेंज करने के लिए यानी कि अभी आप किस में काम कर रहे हैं शीट फोर में कर रहे हैं हमें कहाँ पे जाना है शीट वन में जाना है तो पेज डाउन करेंगे सॉरी पेज अप करेंगे तो पेज अप से क्या होता है सर शीट फर्स्ट शीट पे आ जाता है पेज डाउन से कंट्रोल पेज डाउन से शीट टू से शीट थ्री शीट फोर से फोर जाएंगे क्लियर तो यहां तक आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि एक्चुअली ये था एक्सेल के कुछ एडवांस मतलब जो बेसिक्स जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए अब यहां पर उसको जूम करना है देखो अब यहाँ पर शीट फोर जूम नहीं है हमारी शीट वन जूम है शीट फोर जूम नहीं है यहाँ पर आपको शीट वन पे वापस हम चले जाते हैं अब यहां पर आपको ये जो दिखता है उसको बोलते हैं नेम बार ये जो दिखता है यहाँ पर ए वन यानी कि आपकी सेल्स कहाँ पे ए वन उसको बोलते हैं नेम बार और एफ एक्स ये जो कॉलम आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार अगर आप यहां पर कुछ भी टाइप करोगे यहां पे कुछ भी टाइप करोगे तो ये आपका कहां पे है इस फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे दिख रहा है अब आप ध्यान से समझ रहे हो कि सर यहां पर भी आपने लिखा हुआ है लेकिन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी आपका ई e कॉलम में भी लिखा हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन ये ई कॉलम में नहीं लिखा हुआ ये लिखा हुआ डी कॉलम में कॉलम आपका यहीं तक है अगर इस कॉलम को इस तरह से इंक्रीज करेंगे हम देखेंगे आगे तो अब आपको यहाँ पे एफ ई कॉलम में कुछ नहीं है लेकिन जैसे हम यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो आपका एक आपका ई ई कॉलम कॉलम है अब के अंदर अगर आप कुछ भी टाइप करोगे फॉर एग्जाम्पल हम टाइप कर लेते हैं मुकेश तो आपका ये जो करण सिंह अगर ऐसे देखोगे तो करण सिंह राठौड़ है और अगर ऐसे देखो तो करण एस आई आपको शो हो रहा है वो हम कैसे करेंगे वो हम आने वाले के अंदर डिटेल में कवर करेंगे ओके तो ये ऑप्शन है आपके पास में इसको हमको क्या करना है एडिट करना है जो भी करना है वो आप कर कर सकते हो बाद में हम देखेंगे कि अपनी जो सेल्स की साइज है उसको आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो उसको किस तरह से आप डिक्रीज कर सकते हो ये सब कुछ हम इस क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे अब थोड़ा बहुत ऑप्शन आगे हम और देख लेते ये है कि सर मैंने जो कुछ भी टाइप किया हुआ ये हमने टाइप किया हुआ है क्या किया हुआ है सर टाइप किया हुआ अब टाइप में यहां पर सबसे जो ऑप्शन दिख रहा है ये है फॉन्ट का उप्षेंस. किसका है फॉन्ट 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 का मतलब है है कि ये जो भी आपने टाइप किया हुआ उसको बोलते हैं और इसी के रिलेटेड आपको ये पूरा एक रिबिन नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक आपका ये रिबिन नजर आ रहा है सबसे रिबिन के सबसे पहले ऑप्शंस में आपको यहां पर दिख रहा है कैलिबरी कैलिबरी के अंदर आप जैसे ही जाओगे यहां पर आपको दिख रहा है पिक अ न्यू फोन your टेक्स्ट मतलब कि ये जो फोन है उस फोन की जो स्टाइल है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कैसे करेंगे इसके लिए हमें जाएंगे यहाँ साइड में क्लिक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाएंगे अब उसमें से आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं बेसिक वेल ओल्ड फेस तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ये क्या है सर करण सिंह बेसिक वेल ओल्ड फ्रेम में आ गया अब हम ये चाहते हैं कि सर ये जो चारों है ना ये चारों में सेम टू तो सेम बेसिक वेल्फ ओल्ड फेयर में तो आपको क्या करना होगा सर सेलेक्ट करना होगा कि वो से आपने सेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है यहाँ पर आपको देखना जो भी होगी आपकी जैसे बेसिक वोल्फ ओल्ड फेय देखो सभी आपके सेम कलर के हो गए सॉरी सभी आपके सेम फोट के हो गए जिसको हम बोलते हैं यहाँ से आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हो

सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर यह आपको यहाँ पर इंक्रीज फोन साइज जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये करनी चाहिए छोटा जो आपको ये एक दिख रहा है वो इससे क्या होगा डाउन होगी इससे क्या होगा डाउन होगी क्लियर इससे क्या होगा कि जो फोन की स्टाइल ये डाउन इससे अप हो जाए यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हमने टाइप किया 125 तो यह आपका इस तरह से 123 के अंदर हो जाएगा तो यहां पर भी आप टाइप कर से करके आप कर सकते हो जैसे हमने यहां पर 18 सेलेक्ट कर लिया ऊपर नीचे जाने के लिए आप क्या यूज करोगे आप माउस यूज करोगे ऊपर नीचे जाने के तो यहां तक हमने देख लिया इसके बाद आपको यहां पर बी ऑप्शन देख रहा है बी ऑप्शन का मतलब होता है कि, कि किसी भी सेल्स में लिखे हुए डेटा को बोल्ड करना वो अलग दिखे जैसे कुछ हेडिंग होता है उसको हमें बोल्ड करना है तो हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ में बी प्रेस किया जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ में बी प्रेस किया यहाँ पर आपका बी जो है वो हाईलाइट कर रहा है दैट मीन्स इसके ऊपर बोल्ड की कंडीशन अप्लाई की हुई है इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आई इटालिक में दिख रहा है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है 90 डिग्री यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा वापस हटाना हो तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद अगर आपको किसी लाइन के नीचे अंडर लाइन चाहिए किसी लाइन के नीचे अंडर लाइन चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रेस करना यू के नीचे सिंगल अंडर लाइन जिससे आपको क्या हो जाएगा सर ये एक लाइन आ जाएगी जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसके बाद अब वहाँ पर हम बात करते हैं दो अंडरलाइन चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे और डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करना है तो एक साथ आपकी कितनी लाइन आ जाएगी Okay. अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मतलब लेकिन जब इसका प्रिंट निकालोगे तो पूरा ओपन दिखेगा आपको यहाँ पर सीपी लिखा हुआ दिखेगा इसके लिए हम क्या करते हैं सर इसके लिए हम सिंपल करते हैं यहाँ पे इनके जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर्स अप्लाई देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है इनके बॉर्डर्स अप्लाई करना तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन है बहुत सारे लेफ्ट मतलब साइड का, right right का, का और नो बॉर्डर नो बॉर्डर का मतलब ये होता है कि सर अभी आपको कोई भी बॉर्डर लगाना नहीं है पहले से अगर आपने बॉर्डर लगाया हुआ तो आप उस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर करेंगे हम करेंगे सर यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऑल बॉर्डर का मतलब था सभी सेल्स में बॉर्डर हो गया था जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर किया आपकी सभी सेल्स में बॉर्डर आ गया जैसे ही सेल्स में कुछ नहीं लिखा है फिर भी बॉर्डर आ चुका है फिर भी बॉर्डर आ चुका क्लियर है यहां तक तो ये था सर बॉर्डर अप्लाई करना जैसे जैसे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है जैसे हम एक्सल शीट बनाते हैं कंपटीशन बनाते हैं तो इस तरह से भी ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं नीचे इस तरह से भी ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं बॉटम डबल बॉर्डर इस टाइप से भी आप क्लिक कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे